हमारे साथ हैं जनपद अमेठी के जायस पावर हाउस में कार्यरत कुछ कर्मचारी। ये जो कर्मचारी हैं ये हैं विद्युत विभाग में मीटर रीडर के पद पे कार्यरत हैं, और इनके साथ समस्या ये है कि इनको 2 महीने से जो है वो तनख्वाह नहीं मिली हुई है, और सर पे जो है दीपावली का त्यौहार है और सरकार जो है उत्सव भी मना रही है, और इन जो कर्मचारी हैं संविदा कर्मी हैं ये, इनके जीवन में उत्सव कब होगा? तो आइए बात करते हैं कुछ संविदा कर्मियों से। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, हमको ये बताइए कि आप जो है किस पावर हाउस में कार्यरत हैं? मैं पावर हाउस जायस सब डिवीजन जायस में मीटर रीडर के पोस्ट पे मैं कार्यरत हूँ। आप ये बताइए कि आप जैसे कितने कर्मचारी जो है जायस पावर हाउस में कार्यरत है जो मीटर रीडर के पद पे हों? जो मीटर रीडर के पद पे 19 कर्मचारी हैं। टोटल 19 कर्मचारी हैं। तो आप लोग जो है पहले जो है किस कंपनी में काम किया करते थे? पहले हम लोग इससे पहले विद्या इंटरप्राइजेस कंपनी में काम कर रहे थे। उसने ठेका ले रखा है अमेठी डिस्ट्रिक्ट का? उसने ठेका ले रखा था, उसके बाद जो है अब इस समय कार्बी कंपनी का टेंडर था। अच्छा, अभी जो वर्तमान में कार्बी कंपनी का है? जी जी। हाँ। जिसका टेंडर खत्म भी हो गया है। अच्छा, और 2 महीने से हम लोगों को कोई सैलरी मिली नहीं है। अच्छा, आपको सैलरी भी नहीं मिली? पीएफ मिला हुआ है। अच्छा, तो पीएफ का जो शेड्यूल है कि आपका जो परसेंटेज कटना है उतना ही कट रहा था? जी नहीं, हम लोगों को 12% कमीशन मिलना था पीएफ जी, क्योंकि वो हमको मिल नहीं रहा है। कभी महीने में 10 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 50 रुपए, ऐसे करके हम लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है पैसा। अच्छा, तो अभी क्या है, नई कंपनी आई है, उसके साथ क्या है आपका? नई कंपनी TDS आई हुई है। हाँ। सिक्योरिटी मनी हम लोगों से 22,000 रुपए मांग रही है जी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से आदेश आया हुआ है, MD का भी आदेश है कि ये कोई सिक्योरिटी मनी किसी से ना लिया जाए। मतलब टोटल जैसे आप लोग 19 लोग काम कर रहे थे, अब दूसरी कंपनी आई है, उसने ठेका लिया यहाँ अमेठी डिस्ट्रिक्ट का, और आपको काम करने के लिए पहले सिक्योरिटी मनी जमा करानी पड़ेगी, वो पैसा मांग रही है? जी, TDS कंपनी हम लोगों से पैसा मांग रही है, 22,000 पहले सिक्योरिटी मनी जमा किया है जी, उसके बाद में फिर कार्य किया जाए। तो आपने इसके लिए कभी अपने अधिकारियों से बात की, जो विद्युत विभाग के मतलब अधिकारी हैं, कि हमको 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, उस आपने किसी से बात करी, या अपने जो कंपनी है कार्बी उसके किसी डिस्ट्रिक्ट हेड से बात करी है? जी, हमारे यहाँ सब डिवीजन जायस में जी हमारे SDO साहब संजीव कुमार पटेल हैं जी जी, उनको 20 तारीख को ज्ञापन लिखित रूप से हम लोगों ने दिया जी। उसके बाद में SDO साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि मैं आपके डिस्ट्रिक्ट हेड से बात करूंगा, आपकी सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी, आप लोगों को पैसा मिलेगा, ऐसा आश्वासन दिया SDO साहब ने जी। चूंकि आज 10 दिन हो गए हम लोगों को जो है कोई सैलरी कोई पैसा मिला नहीं जी। इससे पहले एक्सियन साहब आए थे, लगा हुआ था, एक्सियन साहब से भी बात हुई, तो एक्सियन साहब ने भी बात की कि मैं 2 दिन के अंदर आपको सैलरी प्रोवाइड करवा दूंगा आपके डिस्ट्रिक्ट हेड से बात करके जी। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेड से बात हुई या नहीं हुई एक्सियन साहब की, वो हम लोगों को मालूम नहीं है जी, ना ही हम लोगों को कोई सैलरी मिली, ना ही कोई जवाब मिला उधर। तो अभी मतलब 2 महीने की आपको सैलरी भी नहीं मिली और सर पे त्योहार भी है जी। तो आप लोगों की मांग क्या है कि आपको जो है तनख्वाह जो है? हम लोगों की मांग ये है कि सर हम लोगों को पैसा दिया जाए, जो हम लोग सैलरी काम किए हैं जी जी। सर पे त्योहार है, हम लोगों के भी बच्चे हैं, घर परिवार है, उनको भी चलाना है जी। इसके लिए महंगाई चरम पे चल रही है, क्योंकि हम लोगों के पास पैसा नहीं, तो उसको हम लोग कहाँ से मनाएंगे? ये मुख्यमंत्री का आदेश है कि पूरे देश को जो है पैसा दिया जाए, उसके बाद में बोनस दिया जाए जी जी जी, क्योंकि ना हम लोगों को सैलरी मिल रही ना ही बोनस मिल रहा, तो हम लोग उत्सव कैसे मनाएंगे? देख लीजिए, ये सरकार का दावा यह है कि 30 तारीख तक हर कर्मचारियों के खाते में बोनस और जो है तनख्वाह पहुंच जाए, सरकारी कर्मचारियों के साथ तो ये है, लेकिन जो उनके साथ जुड़े हुए संविदा कर्मी हैं, तो संविदा कर्मियों का हाल ये है कि 2 महीने से जो है इनका घर का जो राशन है वो भी उधार आ रहा है, और 2 महीने से ये लोग परेशान हैं, और दूसरी एक नई कंपनी आ जाती है और वो 2 महीने से एक तो तनख्वाह नहीं मिली हुई है, ऊपर से इनसे जो है मतलब जो है सिक्योरिटी के नाम पे वो पैसे भी मांग रही है। एक भाई साहब का भी कहना है कि कम से कम वो 50,000 रुपये मांग रही है। तो अब आप ये बताइए कि इन लोगों को 2 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली हुई है, और ये जो है सिक्योरिटी मनी कहाँ से जमा करेंगे? ये हाल है हमारे संविदा कर्मियों का, और सरकार कहती ये है कि जो है प्राइवेटाइजेशन में जो है निजीकरण की तरफ हम जाएंगे, तो निजीकरण का ये फ़ायदा है कि
सरकार से तो वो पैसा ले लेती हैं निजी कंपनियां, और लेकिन जो अपने कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह तक नहीं देती हैं और वो इधर उधर भटकते रहते हैं।